नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सो सबसे पहले गुरु पर्व की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। जो मेरे सिख दोस्त हैं, मित्र हैं, प्लस सभी को है ये, खैर, तो सिख धर्म एक बहुत ही आस्था और शांति का प्रतीक है। और उसी दिन शायद रात को अर्ली मॉर्निंग पंजाब में स्टेट काउंसलिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो गई है। सो आइए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे कैसे क्या करना है, फिलहाल क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिनको आपने ध्यान रखना है। सो देखिए स्क्रीन, और मैं कोशिश करूँगा कि आपको सब नज़र आए कि कैसे हो रहा है। सो ये है बाबा फरीद की होम पेज। वेबसाइट का नाम होता है bfuhs.ac.in। आप इस पर जाएंगे तो आपको होम पेज पर ये लिंक नज़र आना शुरू हो गया है, क्लिक हेयर टू ऑनलाइन अप्लाई फॉर MBBS BDS एडमिशन। आपने इस बटन को दबा दिया, ये आ जाएगा, जो कि नोटिफिकेशन थी कि कल से खुलना था, पर ये कल रात को खुला है। और एक बार जब हम रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं सो डेफिनेटली हमारा, जैसा कि हम जानते ही हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है, लेकिन फ़िलहाल हम नए हैं, आप न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, इससे पहले कि आप स्टार्ट करें रजिस्ट्रेशन, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ और मुझसे कई लोग फ़ोन करते हैं और पूछते हैं कि इंडिया में डबल डोमिसाइल यूज़ करना बिल्कुल अलाउड होता है। सरकार ने ना हाँ बोला है ना ना बोला है, विच मीन्स कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनका दो, एक्चुअल डोमिसाइल वर्ड यूज़ करना इज़ नॉट करेक्ट, सो जिनका दो स्टेट में लगते हैं, दैट मीन्स कि मैं नॉर्थ इंडिया की बात करूँ, हरियाणा का स्टूडेंट है, हरियाणा का डोमिसाइल है और 11-12 दिल्ली से कर ली, विच मीन्स आप दिल्ली कोटा के लिए भी एलिजिबल होते हो और हरियाणा के लिए भी होते हो। और ये बात मुझे बहुत साल हो गए काउंसलिंग हेल्प देते हुए, हर जगह वैलिड होती है, एब्सोल्युटली एप्लीकेबल होती है, सिर्फ पंजाब में नहीं। और पंजाब ने ये जो एफिडेविट बनवाया है वो इसीलिए बनवाया है, बहुत सिंपल सा एफिडेविट है, और ये एफिडेविट यही लैंग्वेज है कि मैं एक तरह से पंजाब को एक डिक्लेरेशन दे रहा हूँ कि जब मैं इस एफिडेविट को का इस्तेमाल, मैं पंजाब के कोटे का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मैं इंडिया के किसी भी और स्टेट कोटे का इस्तेमाल नहीं करूँगा। सो पंजाब गवर्नमेंट आपसे स्पेशली ये एफिडेविट मांग रही है, मुझे भी पता होगा कि इसलिए कि पंजाब के अलावा बाकी जगह आपका डबल डोमिसाइल वैलिड हो जाता है। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो मैंने बोला हो गया, वो है प्रॉस्पेक्टस। और प्रॉस्पेक्टस की क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये हो जाता है, जो फर्स्ट पेज आता है बहुत सिंपल है, आप नेम डालेंगे अपना, आप सबसे पहले अपना यूजी नीट रोल नंबर डालेंगे। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, एक नीट में स्कोर मिला, एक नीट का रोल नंबर होता है और एक नीट का एप्लीकेशन नंबर होता है, जब नीट का फॉर्म भरते हो। ये आपसे रोल नंबर मांग रहे हैं, आप करोगे सर्च करोगे आपको दिख जाएगा कि आप किस में फिट हो रहे थे, और इसलिए आपसे फिर ये अलग से नीट रोल नंबर, नीट मार्क्स, नीट ऑल इंडिया रैंक और नीट परसेंटाइल स्कोर मांगता है। अब चार कैटेगरी क्यों? क्योंकि देखिए पंजाब में बहुत सारी कैटेगरी है, स्पेशली अगर आप नीचे आएंगे तो, कि अगर आप इस चीज़ से बिलोंग करते हैं कि ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ पेरेंट्स पर्सन स्किल्ड इन टेररिस्ट एक्शन इन पंजाब, चिल्ड्रन ऑफ पर्सन किल्ड इन सिख राइट्स आउटसाइड पंजाब, शायद दिल्ली राइट्स को लेकर, और इन सब का एक कोटा देते हैं। तो यू कैन बी ए जनरल कैटेगरी गाय एंड यू कैन ऑल्सो बी समबडी जो कि बैकवर्ड एरिया में रहता है, नॉट बैकवर्ड क्लास में, एंड यू कैन ऑल्सो बी ए पर्सन जो कि इससे ही बिलोंग करता है, एंड मे बी यू आर ऑल्सो अ पर्सन जो इससे बिलोंग करता है। तो शायद आपकी चार कैटेगरी फिट हो सकती है, इसलिए आपको ये अपू चार कैटेगरी का मौका देते हैं। इसके अलावा माइनॉरिटी स्टेटस में दो ही, आपको मालूम है कि पंजाब में दो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, एक जो सिख माइनॉरिटी है और एक जो क्रिश्चियन माइनॉरिटी है, CMC लुधियाना, इसलिए आपसे पूछा जा रहा है कि आप इन दोनों में फिट होते हैं क्या। आपसे एड्रेस पूछा, कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस पूछा, आप कहाँ रहते हैं, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बोनाफाइड रेजिडेंट पंजाब या अदर स्टेट, यस या नो। अब आपको ध्यान रखना है, हम डिस्कस करेंगे कि पंजाब का जो ये बोनाफाइड रेजिडेंट है किस किस को मिल सकता है। आपके PCB में टोटल मार्क्स क्या थे 300 में से, राइट, PCB में,
आपने क्लास 11th की स्टेट से पास करी, क्लास 12th की स्टेट से पास की, आपके बोर्ड का नाम क्या था, और जैसा कि मैंने कहा ये आपसे पूछ रहे हैं जब आप भरेंगे कि क्या आप बोनाफाइड पंजाब के रेजिडेंस में आते हो, क्योंकि हमारा अपना आप ऑटोमेटिकली यस हो गया। और हम इसको अगर ये करेंगे और आप देखेंगे कि हम ने पंजाब से पास नहीं करा है 11th 12th, तो ये हमको नो दिखा रहे हैं, राइट। पहले यस था ना, अभी डिफॉल्ट आप इसको चूज नहीं कर सकते। तो अब आप ये नोट कीजिए, आपने दोनों 11th 12th बाहर से करी हैं, लेकिन आपको फिर भी पंजाब का रेजिडेंट प्रूफ है, तो आपके केस में ये यस आ रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट, राइट। और आप बोनाफाइड रेजिडेंट पंजाब स्टेट के नहीं हो, लेकिन आपने 11th 12th पंजाब से करी है, तो भी आपको पंजाब का बेनिफिट मिलेगा, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। तो क्योंकि मैं आपको पूरा लिस्ट दिखाऊंगा, और उस लिस्ट में इम्पॉर्टेंट फैक्टर यही है कि अगर आपने 11th 12th पंजाब से करी है तो भी आपको पंजाब का बेनिफिट मिलता है इन टर्म्स ऑफ कोटा। तो आप 11th 12th पंजाब से है, आपका बोनाफाइड रेजिडेंट स्टेट नहीं था, 11th 12th आपने पंजाब से करी, तो भी आप देखेंगे कि एज पर पंजाब गवर्नमेंट नोटिफिकेशन आप इसके अंदर आ गए, राइट। अब देखिए ये फर्स्ट स्टेप है, होता है कि हम इतनी मेहनत कर लेते हैं फिर पता चलता है कि हमारे पास एक कंपल्सरी एफिडेविट तो है ही नहीं 500 KB साइज का, और जो डाउनलोड कंपल्सरी एफिडेविट है यही है जो मैंने आपको होम पेज पे पहले डाउनलोड करके दिखाया था, दोबारा करके दिखा देता हूँ। तो आप पहले इसको बनवा लीजिए, इस मैटर को ले जाइए, जो भी रेलिवेंट पर्सन है उनके पास आप इसको बनवा लेंगे, और उसके बाद ही आपकी नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट होगी, आप इस फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, जो भी आपका लोकल नोटरी पब्लिक है वो भी साइन कर सकता है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको मजिस्ट्रेट के पास ही जाना है, नोटरी पब्लिक के साइन भी चलते हैं, वही एफिडेविट जो हमने बात की थी कि मैं कोई और रिजर्वेशन नहीं ले रहा हूँ, राइट। बैग ये लोग आपको पता ही है सरकारी वेबसाइटें हैं, सो सॉरी डाउन हो गया। तो आप नोट करेंगे कि आपको ये जो कंपल्सरी एफिडेविट है ये पहले बना के रखना है, राइट, और उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। ऑफ कोर्स बाद में वो बाकी चीज़ें भी, जब ये रजिस्ट्रेशन आप कर लोगे, जो ये वाला स्टेप था, फिर आपसे ये पांच चीज़ें अपलोड कराने को बोलता है। फोटोग्राफ, फोटोग्राफ में बहुत ज़रूरी है कि आपका नेम ऑफ कैंडिडेट होना चाहिए फ़ोटो में अलॉन्ग विद डेट, इसके अलावा 10th का होगा सर्टिफिकेट, नीट का रिजल्ट कार्ड आएगा, और भाई अगर आपकी कोई भी रिजर्व कैटेगरी है तो, राइट। ये नेक्स्ट स्टेप में आता है, एक बार जब आप ये ख़त्म कर लेंगे प्रोसेस सेव एंड प्रोसीड, तो आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिल जाएगा। अब जो दूसरा इम्पोर्टेंट काम है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इसमें, बार बार ना हम ये करते हैं कि सॉरी वो हमारे क्लाइंट्स के आने स्टार्ट हो गए हैं, जो हमारे पंजाब के क्लाइंट्स हैं, तो लेकिन मैं आपको वो नहीं दिखा रहा। कुछ चीज़ें जो सबसे इम्पोर्टेंट हैं, जो आप एफिडेविट में देख सकते हैं, मैं खोल के भी दिखा दूंगा। सबसे पहले आप ये ध्यान रखिएगा, कैंडिडेट्स हु आर बोनाफाइड रेजिडेंट ऑफ पंजाब शैल बी कंसीडर्ड ड्यूरिंग सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग आफ्टर एग्जॉस्टिंग पंजाब स्टेट कैंडिडेट्स फॉर BDS ओनली। ये बहुत ना मार्केट में उड़ाया जाता है, पंजाब ओपन स्टेट है, पंजाब ओपन स्टेट है। देखिए ओपन स्टेट है सेकेंड राउंड में, वो भी सिर्फ BDS के लिए, क्योंकि पंजाब में BDS कॉलेज बहुत हैं, सीटें नहीं भरती हैं, तो वो आपको खुशी से अपनी BDS की सीट देने को तैयार हैं, वो भी प्राइवेट कॉलेज में आपको मिल जाती है, राइट, लेकिन इसके अलावा नहीं। दूसरा, आप कैसे भी बच्चे हैं, जब आप प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड करेंगे, पेज नंबर 46 में एक एफिडेविट है जो आपको स्कूल से लेना है, वो आप बनवाएंगे, और एक पेज 59 का स्टडी गैप का एफिडेविट है, अगर आपकी 12th 2021 से पहले है आप इसको ले लेंगे। जैसा मैंने कहा, फोटोग्राफ का बहुत ध्यान रखना है, इन्होंने प्रॉस्पेक्टस में फोटोग्राफ की पूरी रिजर्व वो दिया है, और जो आप अभी समय में रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, सो 5,900 रुपये टोटल जाएंगे जनरल कैटेगरी को, 2,950 जाएंगे नॉन जनरल कैटेगरी को,
अपना रजिस्ट्रेशन देने के लिए। और इसके अलावा जो वही सबसे कॉमन सबसे फेमस पंजाब के प्रोस्पेक्टस में हमेशा चलता ही है, और वो होता है कि कौन कौन से लोग हैं जो ये स्टेट कोटा पंजाब का ले सकते हैं। और इसी में बहुत खुशखबरी आपको मिलती है, फीस बिल्कुल सेम रखी गई है, वो आ चुका है भाई 3.5 लाख रुपये और 9.5 लाख रुपये, 50% सीटें 3.5 लाख रुपये, 50% सीटें 9.5 लाख रुपये, और दोनों ही सीटें पंजाब के बोनाफाइड रेजिडेंट के लिए, लेट मी पुट इट दिस वे। और पंजाब का बोनाफाइड रेजिडेंट किसे माना जाता है, जो हमने कई बार कहा है कि उसकी बहुत सारी कंडीशंस हैं, और बहुत जिसमें ये भी है जो सबसे इम्पोर्टेंट आ जाता है, सबसे काम का आ जाता है अगर कोई इंसान करना चाहे, कि जिसके पेरेंट्स के पास पंजाब में 5 साल से ज़्यादा पुरानी प्रॉपर्टी है, जी हाँ, आपको भी पंजाब का ये बेनिफिट मिल जाता है। बहुत हैरानी की बात है, लेकिन यही सच्चाई है। सो आपने पिछले अगर टोटल 5 साल पंजाब में स्कूलिंग करी है, ये देखिए ये सारे लोग हैं जो पंजाब के कोटा के लिए एलिजिबल हैं, बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। आपने पंजाब में अगर 5 साल पढ़ाई करी थी कभी भी, मतलब क्लास 6 to 10th आपको मिल सकता है, आपने 11th 12th पंजाब में करी आपको मिल सकता है ये पंजाब का कोटा। उसके बाद बच्चे हैं जो कि एम्प्लॉयज़ ऑफ पंजाब गवर्नमेंट पोस्टेड आउटसाइड पंजाब, ये सब पेज नंबर 61 में लिखा हुआ है ब्रोशर में, आप देख सकते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, जो सबसे खतरनाक चीज़ है या आसान चीज़ है, इट इज़ चिल्ड्रन ऑफ पर्सन हु हैज़ हेल्ड इमूवेबल प्रॉपर्टी इन पंजाब फॉर पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, द प्रॉपर्टी शुड बी इन द नेम ऑफ पेरेंट गार्जियंस और कैंडिडेट हिमसेल्फ। दैट मीन्स आपका पंजाब से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपने इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए अगर 10 साल पहले पंजाब के जैसे जीरकपुर में या डेरा बस्ती में, जो बहुत दिल्ली वाले करते हैं, अगर आपने फ्लैट लेके डाल लिया था तो भी आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा, ओके, पंजाब का। सो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कंसीडरेशन में लानी है। एक चीज़ जो मुझे अभी तो ब्रोशर में क्लियर नहीं हो रही है, जो मैं आपको बताऊँगा, कि जो CMC लुधियाना है फेमस कॉलेज, जिसमें लास्ट ईयर तो 4 सीटें ऑल इंडिया कोटा से थी, लेकिन वो इंडिया कोटा की सीटें किस प्रोसेस के थ्रू भरती हैं, क्योंकि यहाँ पर तो फिलहाल वो भाई दिखा रहे हैं कि आप पंजाब स्टेट के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं हैं, तो शायद जो 9 आ रहा था उसमें वो CMC के बच्चे, 4 जो सीटें CMC के लिए अवेलेबल हैं, लास्ट ईयर अबाउट 615 कट ऑफ थी, पर जैसा कि हम जानते हैं कि इट्स अ ग्रेट कॉलेज, तो लेट से दिल्ली हरियाणा के लोग जिनके 620 नंबर हैं और वी आर नॉट श्योर कि हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, तो हम CMC लुधियाना की ऑल इंडिया कोटे की सीट ले सकते हैं। तो आशा है कि आपको हेल्प होगी इस वीडियो से, धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट, नमस्कार, और फिर से हैप्पी गुरु पर्व।